कि यहाँ पर कसूर में दो डिपार्टमेंट तो सील कर दिए, ताले लग गए उसको, लेकिन साथ ही एक और दरवाज़ा था। और ये मोहल्ले वाले कह रहे थे कि जूतियों का कारखाना, यहाँ पे चप्पल तैयार की जाती है, और आपको लगेगा भी यहाँ पर, ये आपको ठीए से नज़र आएगा कि यहाँ पर चप्पल तैयार की जाती, लेकिन चप्पल तो बाहर तैयार हो रही है लेकिन अंदर क्या पड़ा हुआ है, अंदर गंद पड़ा हुआ है, अंदर आपको हर किस्म के हशरात मिलेंगे, छिपकली, चूहे, मैं इसको मिनी चिड़िया अगर कह सकता हूँ, अगर कहूँ तो अल्फाज यूज करूँ तो, लेकिन अंदर क्या पड़ा हुआ है माल मैं आपको दिखाऊंगा, जो हमने आपको मटेरियल दिखाया कच्चा, वो बन के पैकेटों में पैक होता है और किस तरीके से पैक होता है और यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है, ये एक सवालिया निशान है। मैं इसका सवाल आपसे पूछूंगा सर, यहाँ पे ये माल पड़ा हुआ है, बाहर जूतों की फैक्ट्री है, अंदर गंद पड़ा हुआ है सर, ये तो आप ठीक कह रहे हो, ये इन्हीं का वो है, इन्हीं का है, और ये इसको कहते हैं जी छुप छुपा के काम करना। अपेरेंटली ये जूतों का एक कारखाना है जी, इसमें इन्होंने जूते बना रहे हैं और पीछे गोडाउन बनाया है, उस गोडाउन में टनों के हिसाब से, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, चार कमरे चारों भरे पड़े हैं फिनिश प्रोडक्ट से, माल पड़ा है और ब्रांडिंग करके इसको घर में फ्राई करते हैं यहाँ आके। अब आप देखें इसको आप इसको एक नंबर माल को भी यहाँ रखेंगे ना तो वो एक नहीं रहेगा, आप इसको फोकस करें कि ये किस तरह की जगह है, यहाँ पे चूहे, छिपकलियाँ, उनकी ड्रॉपिंग्स, हर तरह के हशरातुल अर्ज आपको यहाँ मिलेंगे, ये ओट्स एंड कचरा जो पड़ा है ना, कचरा आप दिखाएं, उसके साथ ये खाने पीने की टनों के हिसाब से चार कमरे भरे पड़े हैं जी इनके। चले जी अंदर जरा चलते हैं और दिखाते हैं, ये नमूना पेश करते हैं हम, ये आप बिल्डिंग देखें, कमरा देखें, जाले देखें, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, मिनी चिड़ियाघर मैं इसको कहूँगा तो गलत नहीं होगा, यहाँ पर ये माल तैयार करके इन पैकेटों में रखा हुआ है, ये देखें ये आपको माल नज़र आ रहा है टनों के हिसाब से, ये जाएगा मुख्तलिफ शहरों में, कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में, दुकानों में, स्कूलों में, कैंटीनों में। ये क्या चीज़ है, ये गंद है, ये मिट्टी दिखाएं जी, ये उठा, ये सैलाब, ये तो इम्तियाज़ साहब क्या कहेंगे इसके बारे में, सैलाब हुआ हुआ है, बारिशें होती हैं और ये गंद, कीड़े यहाँ से निकलते हैं। इसमें हर तरह की चीज़ जो है ना जी, वो इस सलांटी को खाने की कोशिश करेगी, बच्चे तो बाद में खाएंगे, पहले वो जो है ना जी, फिर इंसान खाएंगे, और जब इंसान खाएंगे तो फिर उनके इसी वजह से ये छुप के कर रहे हैं, चूंकि इनके पास कोई प्योर फूड ऑर्डिनेंस का लाइसेंस नहीं है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, कोई इनका जो जो स्टफ जिससे ये चीजें बना रहे हैं वो हम पहले देख के आ गए हैं, वो सारा बैन चीजें वो ये काम कर रहे हैं, और फिर इसको अच्छे अच्छे ब्रांड्स जो है ना, लुक एट दिस, अब इनको इन्होंने यहाँ पे मशीनें रखी हुई हैं, और ये स्नैक्स, ये बड़े ज़बरदस्त वो स्नैक होता है, ये स्नैक जो है ना जी, ये अच्छी अच्छी ब्रांडिंग में खरीदे जी, ये देखें ना जी, मैं आपको अभी एक सेकेंड जी इसकी ब्रांडिंग में देखें जी, इन्होंने ये सारी चीज़ें, ये खुला हुआ है, ये आप चीज़ें हैं जो बच्चे खा रहे हैं आप और हमारे बच्चे, और ये गंद जी, बिल्कुल देखो कितना गंद है इसमें, यही हमारे बच्चे खा रहे हैं, ऐसे ही होगा, बीमारियां फैलेंगी भाई, और क्या होगा। ये एक और कमरा जिसका ताला खुलवाया गया यहाँ पर, और ये माल यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ और ही किस्म के ब्रांडेड इन्होंने रखा हुआ है, स्नैक्स ऊपर लिखा हुआ है, इम्तियाज साहब इसके ऊपर मुल्तान का एड्रेस लिखा हुआ है जी जी, ये जरा आप देखें ये लिखा हुआ है, मैं गुजारिश ही कर रहा हूं, अरब प्लास्टिक स्टोर मुल्तान पाकिस्तान। अब उनको तो पता ही नहीं बेचारों, हाँ उनको पता ही नहीं होगा ना, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इन्होंने ब्रांड्स के लिए मशीनें रखी हुई हैं, लास्ट टाइम मैंने पकड़ी थी, अभी भी जो है इन्होंने वो यकीनन घर में रखी हुई हैं, तो उससे ये ब्रांडिंग करते हैं, रादर मिस ब्रांडिंग करते हैं, और ये पहले जो हमने रेड किया जी उसमें यह था, इनका था रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को ये सब स्टैंडर्ड, जैसे मैं बारहा कह रहा हूँ, उस ऑयल में इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद इनकी मशीनें लगी हुई हैं, इसको पैक करेंगे, और इस तरह के हालात में इसको आप फोकस करें कि पहले जानवर खाएंगे फिर इंसान बाद में खाएंगे, ये सूरत हाल है इनकी। ये कोई, ये बहावलपुर से सफर कर रहे हैं हम लोग, पहले मुल्तान जाएंगे फिर बहावलपुर जाएंगे, ये वाला जी महनूर फूड इंडस्ट्री मुल्तान, और ये सारी चीजें मुख्तलिफ ब्रांड्स इन्होंने बना के इसको अभी आप कुछ और भी पॉइंट आउट कर रहे थे यहाँ पे, कुछ बता रहे थे आप मुझे, ड्रॉपिंग आप ऊपर देखें, ये आपको आइडिया हो जाएगा कि किस चीज की ड्रॉपिंग है, गलाजत ये चूहों की गलाजत है जी, ये देखिए चूहों की गलाजत आपको नजर आएगी, यहाँ पे गंद नजर आएगा, मैं कितना आपको गंद दिखाऊं, मैं तो थक गया, कुरकुरे हैं, स्मेल देखिए इसकी, स्मेल क्या देखूं, ये खाने के काबिल ही नहीं है यहाँ पे, तो स्मेल से क्या होगा। अब ये दूसरा तीन चार कमरे यहाँ पे, और तीन चार कमरों में ही माल पड़ा हुआ है, मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो ऑनर है उससे मैं बात करूँ कि भाई आप मुल्तान में बैठे हो कि कसूर में बैठे हो,
यहाँ से इनकी दो नंबरी का अंदाजा लगा लो आप कि कसूर शहर में बैठ कर ये लोग एड्रेस देते हैं मुल्तान का, बहावलपुर का। शर्म करें कुछ, शर्म करें। देखें जी, ये निम्को है, ये निम्को है जी, इसको चूजो के क्या इसका चूजो नाम दिया हुआ है जी। ये सब ये बहुत गली अनहाइजेनिक है जी, विदाउट प्योर फूड ऑर्डिनेंस, कोई लाइसेंस नहीं, कोई मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं, और जूतों का कारखाना है बेसिकली। तो ये कबाड़ की जगह है, ओड्स एंड्स का कबाड़ कचरा, ये उनकी दुकानें हैं। उनको इन्होंने, चूंकि इनको हमने टाइट किया हुआ था तो इन्होंने छुप के ये एक जगह ली हुई है, और जूतों का कारखाना अपेरेंटली बाहर वो कर रहे हैं, और इधर अंदर आके इसको फ्राई करते हैं, और इसको मार्केट में अच्छे स्टोर्स में, छोटे स्टोर में, बड़े हर तरह के स्टोर्स में जो है, ये पूरे जो है ना चार पाँच अजला में जो एडजॉइनिंग है आस पास, वहाँ ये बेचते हैं, यही बच्चे खाते हैं। पुलिस आ चुकी है यहाँ मुतलका थाने की, और ये तीन चार कमरों में यही माल पड़ा हुआ है। गंद आपने खुद देखा, एसी साहब की बातें सुनी कि क्या वो कह रहे थे किस तरीके से, ये देखो ये आपको घर नजर आओगे, सैलाबी पानी यहाँ खड़ा है यहाँ पे, ये देखने आप, गंद है। मैं अब और क्या दिखाऊँ यहाँ पे, ये तीन चार कमरे हैं यहाँ पर, इसको भी ताले लगे हुए। अब क्या नेक्स्ट प्लान क्या है, ये अब इसको अब एक एक कर को तोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, ये तो गंद ही है। और ये बिल्कुल जी ये गंद है, अब हम कोशिश ये करेंगे कि इसको अपने पोजेशन में लेके जी तो डिस्कॉर्ड करेंगे, ठीक है, डिस्पोज ऑफ करेंगे। देखो दो नंबरी तो यहाँ से इनकी नज़र आ गई है कि पैकेट के ऊपर मुल्तान लिखा हुआ है, दूसरे पैकेट में बहावलपुर लिखा हुआ है। भाई किस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है जी कि ये करते ये हैं कि इनको आप और मुझे उन ब्रांड्स का नहीं पता जो इनको पता है, फेमस ब्रांड्स जो है ना उनको, उनकी कॉपी भी इस तरह से करते हैं कि अपन ये मैदा भी जो अभी डिपार्टमेंट का बंदा हेल्थ का अपने हाथ में पकड़ के खड़ा था तो वो उस बेचारे को जलन हो रही थी, उस तरह का स्टफ़ उससे ये रॉ मटेरियल इनका, फिर इसको जो है कुकिंग करें, फ्राई करेंगे, फ्राई से आगे मशीनें इनकी लगी हुई हैं, फिर ये मुख्तलिफ ब्रांड मुल्तान क्या बहावलपुर जो जो इनको है, कुरकरे दिस दैट मशहूर फेमस ब्रांड, उनको ये पैकिंग करेंगे, पैकिंग करके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में जो है इनकी बड़ी वसी सप्लाई है। इसको अभी भी जो हमने रेड किया तो ये बड़ी रिपोर्टिंग के बाद किया है, इन्होंने वहाँ से तो सारा अपना काम ख़त्म किया हुआ था, अब ये बिल्कुल काड़ कबाड़ जो है एक एक जगह थी उन्होंने लेके वहाँ पे जूतों का कारखाना बनाया और अंदर जाके ये काम कर रहे थे। और आप इमेजिन करें कि ये खाने पीने की अशिया किस तरह के हालात में पड़ी हैं, छिपकली की ड्रॉपिंग्स हैं, चूहे की ड्रॉपिंग्स हैं, ये मार्केट में जाने देंगे आप, ये माल जो पड़ा ये मार्केट में जाएगा, मार्केट में आप तो नहीं जाने देंगे जी, आप तो ऑब्वियसली नहीं जाने देंगे जी, ये तो माल मुकदमा है, माल मुकदमा है, कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इन बेशर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस भी यहाँ पे आ चुकी है। मजीद हम यहाँ जिस तरीके से ये बनता है, हमने तो आपको पैकिंग में दिखाया, उसके बाद इसका जो कच्चा मटेरियल था जो तैयार होना था वो दिखाया, अब ये जिस तरीके से बनता है और जो लोग इसको तैयार करते हैं और वो किस हालत में खड़े होकर उसको बना रहे होते हैं, वो किस कढ़ाई में, किस घी में, किस ऑयल में वो तैयार करते हैं, वो हम आपको प्रोग्राम में आगे चलकर दिखाएंगे।